जालोर आयोड़ा है सातू। अच्छा जालोर से। हाँ अच्छा राजपूत पुरोहित समाज हूँ। अच्छा पूरे समाज है साथ है। अच्छा 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 संतान को भाव यो श्रवण जी अपना आश्रम पे आया आपने आया टेन पर चरण मांग गया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बहुत ही बढ़िया धन्य हो गया आप तो। हाँ साहब संतान को आशीर्वाद और हमारे आशू भाई ले रहे आप गुरु जी ने आशू भाई ने भी आशू भाई प्रणाम प्रणाम भाई आशू भाई ले रहे बहुत बहुत धन्यवाद आशू भाई। थोड़ा और बताओ कि थोड़ा ये जो आप अभी दृश्य देख रहे हैं ये राजपुरोहित खेतेश्वर है ना जो स्थान है बालोत्रा के पास में आसोत्रा जहाँ पे इनके गुरु जी ने अपने प्राण त्याग कर अच्छा। ब्रह्मा जी की स्थापना की। सातु बोलना वाह 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 है ना सातु आश्रम जालोर है। सातुआ बिल्कुल बिल्कुल सातु आश्रम नाम से प्रचलित है साधु आश्रम ठीक है। तो इनके जो गुरु जी थे वो अश्व रखा करते थे। अच्छा अच्छा आने वाली गट्टी के नए मंत्र है युवराज जी इनका नाम। अच्छा युवराज जी इनका नाम है और इनके साथ में इनका अश्व भी आया है शायद आप उससे अवगत हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलिशान का बच्चा है ना? जरूर अभी बाप जी की सेवा में पधारा है बाप जी पुष्कर मेले में अभी 15 दिन यही भगवद गीता चलेगी हवन यज्ञ चलेगा जो अपना स्थान है परिक्रमा मार्ग वहीं पे अभी 15 दिन का कार्यक्रम बाप जी का वहीं चलेगा। तो आज बाप जी अश्व भ्रमण पे थे। अच्छा 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 तो इसीलिए पधारे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया बात हो गई है तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। बालक हैं यहाँ पे वेद विद्या की पढ़ाई करते हैं गुरुकुल जो अपने यहाँ संस्कृत स्कूल गुरुकुल है के विद्यार्थी हैं। तो बहुत ही बढ़िया हो गया काम तो बाप जी के गांव से है आश्रम जी केतेश्वर आश्रम से और इनके जो टीम मेंबर हैं मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी उनसे थोड़ी जानकारी लें जरूर। अगले साल इनका जो अब अश्व है अगले साल इनका भी पुष्कर मेले में आगमन होगा आगमन होगा इनका भी टेंट लगेगा। चलो बहुत ही बढ़िया बात है आशु भाई। ये जालोर से दोस्तों कोई मठ के राजमान पधारे हैं पुष्कर मेले में। श्री खेतेश्वर का इन नमे और सीताराम जी महाराज की कृपा पर ब्रह्मचारी श्री भोमाराम जी महाराज ये जालोर से दोस्तों कोई मठ के राजमान पधारे हैं पुष्कर मेले में। श्री खेतेश्वर का इन नमे और सीताराम जी महाराज की कृपा पर ब्रह्मचारी श्री भोमाराम जी महाराज पंडित जी यही आशु है जो इनका आप बता रहे हो जी। अच्छा अच्छा ये बहुत ही सुंदर बच्चा है साहब। ये खुशखबरी की बात तो ये है कि इसका आगमन ऐसे आश्रम में हुआ जहाँ शुरू से ही अश्व की सेवा होती आ रही है। बिल्कुल सही है। और इतने टाइम तक तो पहले तो अश्व रहा करते थे तो ये आश्रम के नाम से गढ़ के नाम से या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ही जाने जाते थे। आज ये लाइन का चलन हुआ है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि तूफान का पोता आलिशान का बच्चा इस आश्रम में अपने आगमन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका नाम है उदयवीर। अच्छा ये डायरेक्ट आलिशान का बच्चा है
इसकी जो मदर है वो मठ लाइन से है, अच्छा जाफर वाली, इसकी जो मदर है वो देवली लाइन से है। अच्छा देवली लाइन से है ना, अभी ये वहीं पे है, मठ पे ही है ये घोड़ा। नाम है मुकुंद, सॉरी मुकुंद, ये जो बच्चा है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वापस रिपीट कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभात का बच्चा है मुकुंद। अच्छा, और ये जो पास में खड़ा है वो कहाँ अपना जोरदार काटी वाटी जोरदार लग रही है इस पे तो है। तो ये दोनों घोड़े वहीं पे हैं अभी, है ना। अच्छा अच्छा, ये जो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था ये है वो उदयवीर। अच्छा अच्छा, आलीशान का डायरेक्ट, ये आलीशान का डायरेक्ट हो गया, और ये प्रभात का, और ये प्रभात का डायरेक्ट, प्रभात का डायरेक्ट। और इसको अच्छा, ये भी कोल्ड है। अच्छा अच्छा, और ये है ना, ये पूरा ऑस्ट्रेलियन है, पूरा ऑस्ट्रेलियन हो गया ये। दोनों अभी जालौर सातु आश्रम में है, सात जालौर में है सातु आश्रम। ठीक ठीक, बस बस, नहीं ठीक है आशु भाई, ठीक है, थैंक यू।